हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी आपके पैन कार्ड में ये प्रॉब्लम आती है, जब भी आप अपने पैन कार्ड नंबर को कहीं डालने की कोशिश करते हो, फिल करते हो किसी वेबसाइट में, तो वहाँ पे इनवैलिड पैन कार्ड नंबर बता रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें आज की वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले इसका रीज़न क्या है कि जब भी आप अपने कोटक किसी या किसी भी ऐप में यहाँ पे अपने पैन नंबर को भरने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि इनवैलिड है। तो इनवैलिड क्यों बता रहा है? दरअसल जो आपका जो पैन नंबर है, पैन कार्ड का नंबर है, वो आपका जो लिंक नहीं है आपके व्हाट्सएप के साथ, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, आपका जो पैन कार्ड का नंबर है, पैन कार्ड को आपको अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है। तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, लिंक करवाने की जो प्रोसेस है ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन कैसे करनी है, तो आपको जो ई पोर्टल है इनकम टैक्स का, उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद वहाँ पे लिखा होगा वेरीफाई पैन डिटेल, तो उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक लिंक आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उस लिंक पर आपको अपनी जो पैन कार्ड की डिटेल है वो लिखनी है। जैसे पैन कार्ड 10 नंबर का डिजिट, 10 डिजिट का नंबर होता है, आपको वो लिख देना है। उसके बाद आपको वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, और आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपका नाम सब कुछ मांगेंगे वहाँ से, तो आपको वहाँ पे वो लिख देना है। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, साथ में एक आधार कार्ड की कॉपी लगानी पड़ेगी, मतलब आपका आधार कार्ड की एक फ़ोटो लगानी पड़ेगी। तो ये सब अटैच करने के बाद आपको OTP आएगा, आपको OTP लिख देना है, और वो आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी, और जो भी ये प्रॉब्लम आ रही थी इनवैलिड पैन कार्ड की वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।